सब्सक्राइब करें इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। बिग बॉस सीजन 13 में रश्मि की एंट्री से पहले ऐसी खबरें थी कि अरहान खान और रश्मि देसाई एक साथ बिग बॉस के घर में एंट्री लेंगे और फिर इसी घर में इन दोनों रूमर्ड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की यहां पर शादी होगी। लेकिन एंट्री मारी अकेली रश्मि देसाई ने और इस खबर को लेकर जब सलमान खान ने सवाल किया तो उन्होंने इस खबर को झूठा ठहराया और उसके बाद रश्मि घर से बेघर हो गई। लेकिन तब तक अरहान खान के आने से पहले वो घर में मौजूद थी और जब अरहान की एंट्री हुई तो उन्होंने भी बताया था कि उन्होंने भी इस खबर के बारे में सुना था और उन्होंने कहा था कि रूमर्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर बाद में रश्मि घर से बेघर हो गई। लेकिन अब अरहान खान और रश्मि देसाई दोनों ही घर के अंदर हैं। जी हाँ, रश्मि देसाई और देबोलीना भट्टाचार्य जी वापस बिग बॉस के घर में एंट्री ले चुकी हैं और जैसे उन दोनों ने घर में एंट्री मारी तो सभी उनके दोस्त उनसे मिलने के लिए पहुंचे। नए सदस्यों ने भी उनका स्वागत किया। अरहान खान भी उन्हीं में शामिल थे। अरहान को देखते ही रश्मि उनके पास आई और उनसे गले मिली और कहा कि तुम इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत जरूरी बात करनी है, और उन्हें बड़े ही प्यार से गले लगाती है। अब आप हमें बताएं कि जो पहले खबरें आई थी कि ये दोनों बिग बॉस के घर में साथ होंगे और इनकी शादी होगी, अब ये दोनों यहाँ पर साथ भी हैं। अब इन्होंने आते ही एक दूसरे से इतनी अच्छी तरीके से मुलाकात भी कर ली है। अब आप बताएं इसे लेकर आपके क्या विचार है? क्या उन खबरों में थोड़ी सी सच्चाई भी थी या फिर वो सिर्फ कोरी कल्पनाएं या फिर सिर्फ झूठ ही थे? बिग बॉस के इस टेढ़े सीजन की और भी कई टेढ़ी खबरें यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।